भूकंप के झटकों से अब नहीं गिरेंगे मकान। हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के किसान भवन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन वीडियो मनीषा प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक दिन 30 राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने का विधिवत एवं वैज्ञानिक तरीके बताए जाएंगे, जिसका समय 9 बजे से 5:30 बजे तक रखा गया है, ताकि आने वाले दिनों में भूकंप के झटकों से लोगों के जान माल की सुरक्षा प्रदान हो सके। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक मिस्त्री को 4900 रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। प्लानिंग है, जो SOP है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 7 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है राजमिस्त्रियों का, जिसमें भूकंप रोधी मकान निर्माण करने का तरीका बताया जाएगा। पहले इनको क्लासरूम में सिखाया जाएगा और उसके बाद फील्ड में एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा जिसमें कैसे कंपोजिशन डालना है और किस तरह कार्य करना है, ये सिखाया जाएगा, ताकि प्रचार प्रसार हो सके और प्रखंड में भूकंप रोधी मकान बन सके। 7 दिन के 7 दिवसीय ट्रेनिंग के अंत में सभी राजमिस्त्रियों को 4900 रुपये का चेक दिया जाएगा और साथ ही अंत में टेस्ट लिया जाएगा इन सब राजमिस्त्रियों का, जो भी इन्होंने 7 दिन में सीखा है, और उस टेस्ट में पास करने पर इनको बिहार सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ताकि ये प्रमाणित हो गए कि ये स्किल्ड राजमिस्त्री में शामिल हो। और फिर इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि ये जो काम सीख रहे हैं ये जा करके इसे जन जन में फैलाएं, ताकि हम एक सुरक्षित बिहार का निर्माण कर सकें। मेरा नाम पहले तो इंजीनियर वकारुल इस्लाम हुआ, मैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आया हूँ। इस ट्रेनिंग में प्रशिक्षण पर